दोस्तों, खुशियां बांटने और सेलिब्रेट करने का ना कोई वक्त होता है ना कोई अलग तरीका, लेकिन बढ़ते समय के साथ खुशियां मनाने के लिए सिर्फ त्योहार ही बचे हैं। दुनिया भर में लोग अजीबोगरीब तरीके से त्योहार मनाते हैं, जिन्हें देखकर कभी आंखें लोग मूंद लेते हैं तो कभी जीभ बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि इन अजीब त्योहारों को मनाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए कुछ ऐसे त्योहारों की जानकारी लेकर आए हैं जिन्हें देखकर आप कहेंगे पागल लगे भाई। अगर आप भी त्योहारों को मनाने का शौक रखते हैं तो चलिए चलते हैं आपको एक ऐसे ही राइड पर जहां मजे के साथ साथ खूब एडवेंचर भी मौजूद है। नंबर एक, जॉनी बिल मेला फेस्टिवल इन असम। भारत के असम में होने वाला जॉनी बिल मेला एकमात्र ऐसा त्योहार है जहां वस्तु विनिमय प्रणाली का यूज किया जाता है, यानी इस मेले में चीज के बदले चीज देने का रिवाज है, ना कि पैसे। मेले में दुनिया भर की कलाकृति देखने को मिलती है। इस मेले में होने वाली मुर्गों की लड़ाई पूरी दुनिया में फेमस है और इस मेले को देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं। नंबर दो, तूना रामा फेस्टिवल ऑस्ट्रेलिया। लगभग 51 सालों से चले आ रहे ऑस्ट्रेलिया के पोर्ट लिंकन शहर में इस फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। हर साल ऑस्ट्रेलिया डे यानी 26 जनवरी पर वर्ल्ड चैंपियन तू नाटक का आयोजन किया जाता है। 1989 में लोकल लोगों ने मिलकर पोर्ट लिंकन को फेमस करने के लिए इस फेस्टिवल को शुरू किया था। इस फेस्टिवल में फिश को रस्सी से बांध कर दूर फेंका जाता है, जिसकी मछली जितनी दूर जाती है उसे इनाम दिया जाता है। नंबर तीन, मंकी फेस्टिवल। थाईलैंड में साल 1990 से एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसका नाम मंकी फेस्टिवल है। इस फेस्टिवल के दौरान बंदरों को खाने पीने के लिए दावत दी जाती है। बंदरों को कई तरह के पकवान खाने के लिए दिए जाते हैं। दरअसल थाईलैंड में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इस फेस्टिवल को शुरू किया गया। इस फेस्टिवल को खास तौर पर थाईलैंड के लोब भारी शहर में मनाया जाता है। इस त्योहार के दौरान बंदरों की खूब मेहमान नवाजी भी होती है, क्योंकि लोग मानते हैं कि बंदर अच्छा भाग्य लेकर आते हैं। लेकिन पहली बार देखने और सुनने वालों के लिए ये त्योहार थोड़ा अजीब है। देख रहे हैं ना, बंदरों की खातिरदारी हो रही है। नंबर चार, बेबी जंपिंग फेस्टिवल। बेबी जंपिंग फेस्टिवल या यूं कहे बच्चों के ऊपर से कूदने का ये अजीब त्योहार कहीं और नहीं बल्कि अजीबोगरीब त्योहार मनाने के लिए चर्चित देश कैस्टिलो स्पेन में मनाया जाता है। इस फेस्टिवल में नवजात बच्चों की माएं बच्चों को जमीन पर रख देती है और शैतान के रूप में तैयार पुरुष बच्चों के ऊपर से कूदता है। ऐसा माना जाता है कि न्यू बोर्न बेबी के साथ ऐसा करके उन्हें शैतानी शक्ति से बचाया जा सकता है। 17वीं शताब्दी से इस फेस्टिवल को मनाया जा रहा है। क्या आप भी इस त्योहार की सहमति में हैं? हमें कमेंट में बता दीजिए। नंबर पांच, मड फेस्टिवल इन साउथ कोरिया। हमारे देश में होली में कलर से खेलने का रिवाज है। इसमें हम तरह तरह के रंगों के साथ खेलकर खुशियां मनाते हैं, लेकिन एक देश ऐसा भी है जहां कीचड़ से खेलने का रिवाज है। आपको बता दें, साउथ कोरिया में होली की तरह मड फेस्टिवल मनाया जाता है। इस फेस्टिवल के दौरान कुश्ती का भी आयोजन होता है। इस फेस्टिवल के दौरान टूरिस्ट भी जमकर मस्ती करते हैं। यहाँ आए टूरिस्ट न सिर्फ कीचड़ में जमकर कुश्ती लड़ते हैं बल्कि स्थानीय लोगों के साथ नाच गान में भी शामिल होते हैं। नंबर छह, कानामारा मस्तूरी जापान। वैसे तो दुनिया भर में अजीब अजीब तरह के त्योहार मनाए जाते हैं, लेकिन जब अजीब त्योहारों की बात हो रही है तो जापान कैसे पीछे रह सकता है। आपको बता दें, हर साल जापान में भी एक फेस्टिवल मनाया जाता है जो बड़ा ही अजीब होता है। दरअसल ये त्योहार नाम से काफी अजीब है और मनाने का तरीका भी अजीब है। इस त्योहार का नाम लिंग फेस्टिवल है, जो सुनने में बड़ा अजीब लगता है। लिंग त्योहार को जापान के लोग जापान के विकास के लिए मनाते हैं। जापान में हर साल ये लिंग त्योहार मनाया जाता है। ये त्योहार के दौरान जापान के लोग पुरुषों के लिंग की पूजा करते हैं। यहाँ पर एक लकड़ी के बने पुरुष लिंग की पूजा होती है और साथ ही त्योहार का एक और नाम भी है जिसे टागाटा श्रीन भी कहते हैं। जापान में इस त्योहार के दौरान लकड़ी के बने लिंग को पूरे शहर में घुमाया जाता है। घुमाने के दौरान कई लड़के लड़कियां बुजुर्ग बच्चे भी इस त्योहार में शामिल होते हैं। वाकई अजीब त्योहार है ये। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने और कौन सा फेस्टिवल आपको ज्यादा अजीब लगा हमें कमेंट में बता दीजिएगा। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कर दो।